हेलो एवरीबॉडी, मैं और रुचा सिन्हा एक बिहारिन और मेरे घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोई डिश या कोई रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करने वाली हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बिहारी कल्चर के बारे में, कुछ ऐसी परंपराएं जो मेरे परिवार में फॉलो होती हैं, जो बिहार में की जाती हैं, कुछ रिचुअल्स और कुछ पूजा, कुछ ट्रेडिशनल डिशेस। तो आप समझिए कि ये मेरा फर्स्ट वीलॉग है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अपने परिवार और कुछ अपनी परंपराओं के बारे में। क्योंकि आज के दिन, जैसा सभी जानते हैं, आज भाई दूज है जो कि दिवाली के एक दिन के बाद मनाई जाती है। ये पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बिहार में होती है और ख़ासकर कायस्थ परिवार में होती है, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं वो आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाती है, जो कि बिहार यूपी में कायस्थ परिवार आज के दिन करते हैं। कायस्थ परिवार की उत्पत्ति जो है वो चित्रगुप्त भगवान से मानी जाती है। कायस्थ परिवार चित्रगुप्त भगवान के वंशज माने जाते हैं और चित्रगुप्त भगवान जो है वो पूरे संसार के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, तो ब्रह्मा जी उनके पिता माने जाते हैं। चित्रगुप्त भगवान की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के संपूर्ण काया से हुई है, इसलिए उन्हें जो उनसे जो उत्पत्ति हुई जिस वंश की, उसे कायस्थ परिवार कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हम बिहारी और हम कायस्थ क्या करते हैं, क्या बनाते हैं और कैसे पूजा करते हैं। मैं आपसे भाई दूज से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी चित्रगुप्त पूजा से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ झलकियाँ और कुछ ऐसे डिशेस जो हम आज बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इससे पहले आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ ढेरों जानकारियाँ जीवन के हर पहलू से। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रगुप्त भगवान की पूजा हो रही है, भाई दूज आज भी ही मनाया जाता है इसी दिन, जो है बिहार यूपी में जो कायस्थ परिवार होते हैं वो चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। चित्रगुप्त भगवान वो भगवान हैं जो कि हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और ये भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। कायस्थ परिवार चूँकि शुरू से बही खाते और पढ़ाई लिखाई और चीज़ों का लेखा जोखा रखने वाला परिवार माना जाता है, इसलिए आज के दिन हम चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। कागज़ पे जहाँ एक तरफ चित्रगुप्त भगवान की पूजा हो रही है, वहाँ दूसरी तरफ कुछ पारंपरिक ट्रेडिशनल चीज़ें जो आज के दिन बिहार और यूपी में बनती हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तैयारी हो रही है दाल पिट्ठी की। इसके लिए चावल का आटा गूंदा जा रहा है, साना जा रहा है, पिट्ठा, एक्चुअली इसको दाल का पिट्ठा कहते हैं। ये चने की दाल से बनता है और ये जो इसमें स्टफिंग जो अंदर भरा जाएगा वो तैयार है। ये चने की दाल, इसमें कई तरह की चीज़ें जैसे लहसुन, अदरक, मिर्च और नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें मिला करके तैयार किया गया है। और ये चावल का आटा गूंदा जा रहा है, ये दाल का पिट्ठा बन रहा है। इसके अलावा दाल भरी पूड़ी बनती है, दाल भरी पूड़ी बनी है, इसके अंदर भी चने का दाल जो है वो भर के बनाया गया है। इसके अलावा जो है ये दही, गुड़ और घी मिला करके ये एक बनता है डिश, जो कि आज के दिन ही बनता है। आज का दिन ये पारंपरिक ट्रेडिशनल डिश है, इसमें दही है, गुड़ है और इसमें दही है, गुड़ है और घी है, शुद्ध घी है। इसके अलावा आज जिमीकंद की सब्जी बनती है, जो कि रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है जिमीकंद की सब्जी, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए दल पिट्री का किस तरीके से जो है तैयार किया जा रहा है। ये एक लेकर के और इसको गोल कर लिया गया इस तरीके से और ये बीच में हल्का सा होल किया गया है। अब इसके अंदर ये भर दिया गया और इसको बंद कर दिया जाएगा और ये स्टीम्ड बनता है। अब ये देखिए इसको बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया इस तरीके से,
और ये बिल्कुल बहुत हेल्दी और स्टीम चीज़ होती है, आज के दिन यही खाते हैं अमर पिट्ठा पूजा करके। हाँ, हम लोग इसको पिट्ठा बोलते हैं, अमर पिट्ठा कहा जाता है, अमर पिट्ठा। ये देखिए गर्म पानी में इसको इस तरीके से डाल दिया गया, अब ये इसी में पकेगा स्टीम होके 5 से 10 मिनट, ये इसमें खोलेगा और ये बनेगा। इसको बेल कर भी बनाया जा सकता है। सब्जी बनाई है, ये आलू गोभी की सब्जी है, सीजनल सब्जी, और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आज के दिन, लेकिन मैंने उतनी सारी चीज़ें नहीं बनाई हैं। चित्रगुप्त भगवान की पूजा कल्पना की है, वही मैं वर्णन आपसे करता हूँ। मुख में ब्रह्मा, बाहु में क्षत्रिय, जंघा में वैश्य, पैर में शूद्र, दो पांव, दो चार पांव वाले पशु से लेकर समस्त बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत शल तुल्य गर्दन चक्रवर्त तेजस्वी अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए तेजस्वी अति सुंदर विचित्र गण स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा को ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ। भीष्म उस अव्यक्त पुरुष के नीचे ऊपर देख के ब्रह्मा जी ने समाधि छोड़ के पूछा, पुरुषोत्तम हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधि, मैं आपकी ही शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। इसमें कहा पूजा करने के बाद ये 5 देवी देवताओं का नाम और ये मंत्र चित्रगुप्त भगवान का लिखा जाता है। पूरी पूजा विधि तो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। चित्रगुप्त भगवान की कथा पढ़ी गई और उनका पंचोपचार से पूजा किया गया और अब ये जो है एक पेपर पे लिखा जाता है। पूजा हो चुकी है, पूजा संपन्न हो गई, अब आरती, सभी लोग आरती ले रहे हैं, ये चरणामृत, अब प्रसाद वितरण होगा। अब मैंने आपको चित्रगुप्त भगवान के पूजा की झलक दिखाई, अब ये ट्रेडिशनल खाना, ट्रेडिशनल थाली जो हम बिहार में आज के दिन बनाते हैं, ये उसकी झलक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये दाल का पिट्ठा बन रहा था, ये इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। ये दाल भरी, इसको पूड़ी कहते हैं, एक्चुअली ये स्टफ दाल भरा स्टफ पराठा है, लेकिन हमारे तरफ इसको दाल की पूड़ी बोलते हैं। और ये सब्जी और ये दही गुड़ और घी का जो डिश बनता है वो है, ये हमारे यहाँ की आज ट्रेडिशनल थाली है, तो आज के दिन हम लोग यही खाते हैं। तो ये थी हमारे आज का दिन, हम कैसे मनाते हैं भाई दूज का दिन, हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसकी कुछ झलकियाँ, हम किस तरीके से चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं, कौन से डिशेस बनाते हैं और किस तरीके से आज का दिन मनाते हैं। तो अगर आप, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।